चलो एक बार, कभी कभी हमारे दिमाग में आता भाई मैं नमाज काय को पढ़ू, मैं तो बहुत गरीब आदमी, अल्लाह ने मेरे को दिया क्या। हाँ आदमी कभी कभी सोचता मेरे पास है क्या, काय को इतना लंबा सजदा करने का, मिला क्या आदमी को, क्या दिया अल्लाह ने। मेरे दोस्तों बहुत दिया है अल्लाह ने, बोलो दिया कि नहीं दिया। हजरत ईसा नाम सुना? हाँ बोलो जल्दी जी, बोलो नाम कौन? हजरत ईसा। उनके पास कुछ नहीं था पूरी जिंदगी में, हजरत ईसा के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बीवी बच्चे घर मकान कुछ नहीं। हजरत ईसा के पास पूरी जिंदगी में दो चीज थी, एक तकिया और एक कटोरा। एक तकिया और एक, और तकिया भी क्यों रखते थे कि कहीं भी जाते थे रात हो गई, यूं तकिया को जमीन पे रखा स्तर रखा सो गए, तो तकिया इसलिए रखते थे कि रात को सोने में काम आवे, और कटोरा इसलिए रखते थे कि भाई कहीं भी पानी की जरूरत पड़े तो कटोरे में पानी ले लिया और पानी को पी लिया। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे, देखो अल्लाह बताना चाहता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे तो रास्ते में देखा एक आदमी ऐसा सोया है, यानी उसके पास तकिया नहीं है, वो अपने हाथ के नीचे हाथ को अपने सर के नीचे रख के सोया। हजरत ईसा को ख्याल आया ये तकिया का जवाब कयामत में देना पड़ेगा, इसलिए बगैर तकिए के भी आदमी सो सकता है। उसी वक्त किसी गरीब को बुलाकर तकिए का सदका कर दिया। अब क्या रह गया? एक कटोरा। आगे चले, अल्लाह को बताना था, एक आदमी ऐसे पानी पी रहा, एक आदमी नहर में ऐसे हजरत ईसा को ख्याल आया बगैर कटोरे के भी आदमी पानी पी सकता है, इससे पानी भी पी सकता है, इससे अपने चेहरे को भी धो सकता है, अपने दोनों हाथों से अपने हाथों को भी धो सकता है, अपने पांव को भी धो सकता है, तो कयामत में अल्लाह पूछेगा ए ईसा ये कटोरे का जवाब दे दे। हजरत ईसा ने किसी गरीब को बुलाकर वो कटोरा दे दिया। आज भी तारीख की किताबों में लिखा 20 साल हजरत ईसा ने ऐसे गुजारे कि आपके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि हजरत ईसा गरीब है लेकिन शान, भाई शान दी अल्लाह ने। कैसी शान दी? आए भी दुनिया में बड़े अजीब, गए भी बड़े, दुनिया में आए तो बगैर अब्बा के। अरे बोले दुनिया में आए तो बगैर खंपा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, आए तो बाप नहीं बाप, और गए कैसे? गए कैसे? हमको अल्लाह, हमको गलत सिखाया जाता, हमको बताते हजरत ईसा को यहूदियों ने कत्ल कर दिया, तभी कहते वो स्टैचू बनाते स्टैचू, हजरत ईसा को सूली पर लटकाया। अरे कुरान उठाओ पारा नंबर 6, अल्लाह फरमाते मेरा ईसा, क्या मजाल किसी की कि मेरे ईसा को कत्ल करे, अरे किसी की क्या मजाल कि मेरे ईसा को सूली पर लटकाए। अल्लाह कहता जिंदा थे, मैंने जिंदा आसमानों पर उठाया, आसमानों पर जिंदा उठाया, वो नबी थे और कयामत से पहले फिर भेजूंगा, लेकिन आखिरी नबी का उम्मती बनाकर भेजूंगा। बोलो है कुरान में है कि नहीं? इसे हजरत ईसा को किसी ने कत्ल किया? और ये जो हमको बताते सूली पर लटके लटके हजरत ईसा, कुरान सच्चा है कि नहीं? मैंने आपको हवाला दिया पारा नंबर, बोलो बोलो साथ में बोलो ना पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। अल्लाह फरमाते मेरे ईसा को न किसी ने कत्ल किया, न मेरे ईसा को किसी ने सूली पर लटकाया, तो हुआ क्या? हजरत ईसा गए कैसे? बर्रफाहुल्लाहु इलैह वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह फरमाते मैंने ईसा को आसमानों पर उठा लिया, और मेरे से बढ़कर हिकमत वाला कौन होगा? अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़ के गलबे वाला कौन होगा? तो हजरत ईसा गरीबी में जिंदगी गुजारी मगर नमाज कजा न हुई, हजरत सुलेमान ने बादशाहत में जिंदगी गुजारी मगर नमाज कजा न हुई, हजरत यूसुफ ने जेल में जिंदगी गुजारी मगर नमाज कजा